प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, सबका कल्याण हो। नदियाँ, जंगल, झरने, पर्वत रखना इन्हें संवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे, धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं, पर तुम्हारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई, पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है।